अरे भैया 250 रुपए किलो आटा वहाँ हो गया है, दे दो 10-20 लाख टन गेहूँ भिजवा दो। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार अभियान चलाने वाले और उसके आधार पर ही भारत में उग्र राष्ट्रवाद का नैरेटिव खड़ा करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या उसके प्रति नरम पड़ रहा है? आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए आरएसएस का प्रेम क्यों उमड़ रहा है? इन सवालों के उठने की वजह यह है कि आरएसएस के दूसरे सबसे बड़े सहकार्यवाह कृष्ण गोपाल ने सरकार से कहा कि वो आटे की किल्लत झेल रहे पड़ोसी देश को 10 से 12 लाख टन गेहूं भेज दे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आटा 250 रुपए किलो बिक रहा है, इसलिए उसे गेहूं भेज दिया जाए ताकि वहां कोई भूखा ना रहे। पाकिस्तान में रहते हमको दिन रात गाली देते, नहीं वो भी सुखी हो, अभी पाकिस्तान में आटा 250 रुपए किलो हो गया, हमको दुख होता है भाई, अपने देश के लोग 250 रुपए किलो आटा हो गया, हम भेज सकते हैं, भारत 25-50 लाख टन गेहूं उनको दे सकता है, लेकिन मांगते ही नहीं, आने भी नहीं देते। अरे वहां की जनता को भूख से मरने के बजाय भारत के पास सरप्लस गेहूं है, दे सकता है। अरे 70 साल पहले हमारे साथ ही थे, इतनी दूरी का क्या क्या लाभ है? हालांकि पाकिस्तान 4-5 बार हमसे झगड़ा कर चुका है, वही आक्रमण करता है बार बार, 48 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, उसके बाद ही भारत के सब लोगों के मन में ये बात आई होगी, अरे भैया 250 रुपए किलो आटा वहां हो गया है, दे दो 10-20 लाख टन गेहूं भिजवा दो। इसके पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि वो पाकिस्तान को मदद देने से पहले ये देखेंगे कि देश के लोगों की भावना क्या है। आपको बता दें कि इस साल पाकिस्तान में गेहूं की उपज कम हुई, बाढ़ से नुकसान हुआ और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण इसके आयात में दिक्कत है। नतीजा ये है कि 1 किलो आटे की कीमत 250 रुपए चली गई है। गेहूं ले जा रहे ट्रकों को रोककर लूटपाट करने या एक बोरी आटे के लिए छीना झपटी करने की वारदातें आम हो गई हैं। भारतीय विदेश मंत्री के बयान से पहले पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने भारत से रिश्ते सुधारने के लिए बातचीत करने पर जोर दिया था, लेकिन दूसरी ओर पहले पाकिस्तान के एक जूनियर मंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को परमाणु बम की धमकी दी है। शहबाज शरीफ ने तो भारत को पैरों तले कुचलने की बात कह डाली और वो भी पाक अधिकृत कश्मीर की विधानसभा में। इसके पहले भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री को गुजरात का कसाई कह डाला था, जिस पर भारत ने नाराजगी जाहिर की थी। सवाल यह है कि आरएसएस के बयान का मतलब क्या है? क्या वो विदेश मंत्री के बयान के बाद ये संकेत देना चाहता है कि पाकिस्तान को भारत मदद दे सकता है? लेकिन अगर ऐसा है भी तो क्यों? अहम सवाल तो ये है, बात बात में लोगों को पाकिस्तान जाने की सलाह देने वाले और भारत में राष्ट्रीयता का आधार पाकिस्तान विरोध बनाने वाले आरएसएस को पाकिस्तान के प्रति ये प्रेम क्यों आ रहा है? लेकिन पाकिस्तान को गेहूं भेजना भारत के लिए बहुत आसान भी नहीं होगा। भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा रखी है ताकि इसकी कीमत यकायक ना बढ़ जाए। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई लाइन बाधित है। गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक यूक्रेन और रूस से गेहूं के निर्यात में दिक्कतें होने के कारण गेहूं की कीमतें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में पाकिस्तान को गेहूं देने से पहले भारत को निर्यात पर लगी रोक हटानी होगी। इसके बाद इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो सरकार को जवाब देना होगा। भारत में महंगाई की दर पहले से ही ज्यादा है। रिजर्व बैंक और खुद सरकार ने भी माना है कि पहले के अनुमान से ज्यादा महंगाई दर रह सकती है। ऐसे में सरकार क्यों ऐसा करेगी, ये समझ से परे है। तो क्या आरएसएस के नेता ने इतनी बड़ी बात यूं ही कह दी?